नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ है जीके का, 28 अक्टूबर 2018 को, उसके 100 क्वेश्चन की कंप्लीट आंसर की के बारे में। कुछ टॉपिक की जैसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर है, करंट है, साइको है, इनकी पहले ही अपलोड कर दी है, लेकिन इसमें चूंकि कंप्लीट के बारे में बात करेंगे तो एक बार फिर से थोड़ा उनका भी रिविज़न कर लेंगे वापस। ये वीडियो 31st वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग इसी प्रकार का पेपर आने की संभावना है। जब भी आरपीएससी दो पेपर लेती है, लास्ट ईयर भी उन्होंने लगभग सिमिलर पेपर दिया था जब जीके के दो पेपर हुए थे। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं कि मित्रों, ये पेपर कैसा आया था। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल और कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हार्ड। कुल मिला करके ये एक एवरेज पेपर बनता है, एवरेज पेपर, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन देखिए, तो ये इतने इजी हैं कि थोड़े भी अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई की हो तो उसका कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा और बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वाला भी क्वेश्चन नहीं है इनमें, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। तो मित्रों, इसमें है वीर कल्लाजी राठौड़, ये मीराबाई के भतीजे थे और इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, चार हाथों वाले देवता भी माने जाते हैं, क्योंकि जब युद्ध में अकबर की बंदूक की गोली से जयमल जी घायल हो गए थे तो उन जयमल जी को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था कल्लाजी राठौड़ ने, तो इसलिए इन्हें चार हाथों वाला देवता भी कहते हैं। राइट आंसर होगा फोर्थ, वीर कल्लाजी। नेक्स्ट है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये है उमादेव, मालदेव की रानी थी, मारवाड़ से जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर हट, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो हमीर हट है चंद्रशेखर का, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का, कानड़देव प्रबंध है पद्मनाभ का और पृथ्वीराज विजय है जयानक का। तो फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद में हो जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड। इसका राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से सीक्वेंस से बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपसे टेस्ट पेपर लिया था उसमें भी हमने बात की थी बिल्कुल इसी प्रकार से। जिसने वो टेस्ट पेपर अच्छे से देखा हो उसका क्वेश्चन निश्चित रूप से सही होगा। महीनों की शुरुआत होती है चैत्र मास से, तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी। अब सबसे पहले चैत्र मास में कौन सा त्यौहार आता है, गणगौर। उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी। पिछले वीडियो में कई विद्यार्थी कह रहे थे, सर ये गणेश चतुर्थी पहले आती है क्या, इसमें चतुर्थी है। तो मित्रों, इनमें मंथ में दो होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण जन्माष्टमी आती है पहले वाले में, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और शुक्ल पक्ष की जो चार है चतुर्थी उसको आती है गणेश चतुर्थी। तो कृष्ण जन्माष्टमी पहले है, चतुर्थी बाद में है, और फिर कार्तिक मास में दीपावली है ही, अभी आने वाली है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, DCAB, DCAB फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था, मान सिंह को। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, इस मिलान करने वाले में देखिएगा सिंथल जो है, सिंथल के कौन है, संत हरिराम दास जी, ए का सेकंड। और इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है, तो आगे देखने की आवश्यकता नहीं अगर ये भी आपको याद है तो, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, ये आभूषण वाला था। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं, सिर में पहना जाता है मेमंत, तो ए का फोर्थ, गले का हंसली, तो बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट है कणकती कमर का, और पैर का हो जाएगा रिमझोल। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इसका हो जाएगा फोर्थ। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये तो नाथद्वारा की है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो इसका हो जाएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी, 1883 में, 1883 में। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उदयपुर वाला। क्यों? क्योंकि ये दूसरे चरण की बात कर रहा है, और दूसरे चरण में जो 9 छोटी छोटी रियासतें हैं वो थी, तो उदयपुर तो मिला था तीसरे चरण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हाकिम खां सूर नहीं था। थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें, ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे, हाकिम खां सूर। नेक्स्ट है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? घुड़ला नृत्य। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती। कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की। नेक्स्ट है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ब्यावर। थर्ड हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। कालीबंगा का कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ होना चाहिए था, चूरू है, तो पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि कालीबंगा का है हनुमानगढ़ में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा बी सेकंड। कन्नौज पर अधिकार हेतु इसका गुजर प्रतिहार है। राजपुताना किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुजर प्रतिहार, इनके बारे में बहुत बार बात कर चुके हम। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में था? राजस्थान के गुजर प्रतिहार थे, बंगाल का था पाल वंश, और दक्षिण के थे राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, ज्वाला माता मंदिर का सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कहाँ है ज्वाला माता मंदिर? जोबनेर, जयपुर में। कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? ये तीनों थे, और ये छगनलाल चौपासनी वाला नहीं था इसमें। तो मित्रों, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपने सारे वीडियो देखे हैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के, तो कोई सा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? तो बिड़ला सीमेंट का कहाँ है? चित्तौड़ में, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इसके बाद में होकाइडो तथा होंसू विभाजित होता है, अब ये देखना है कहाँ होता है, तो इसका हो जाएगा सुगारू जलडमरू मध्य, थर्ड। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में से हैं। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? इसका हो जाएगा एशिया, सेकंड होगा। देखिए मित्रों, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, जैसे मान लीजिए जिनका 28 को एग्जाम था और उन्हें किसी क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन था कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ये आपका सुना हुआ ही नहीं है कि कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ड्रॉप कर देना था, जो आपको कुछ नहीं आता उसको छोड़ना था। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये अभी वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले ही, 10-15 दिन पहले, उसमें आपको अच्छे से याद करवाया था। कौन सा है? दक्षिणतम प्रदेश, और फिर आएगा इस बार, फिर रिपीट होगा, कोपेन का पूछ सकता है, और इसके अलावा थानवा, त्रिवार था। कौन से एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? ए हो जाएगा जोंडा। नेक्स्ट है, राजस्थान भामाशय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, तो इसका हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट है, ये सुमिलित करने वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं? मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर, केवलादेव घना, तो इसका होगा सी, ये बी होगा, ए बी सी तीनों सही है, मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर और केवलादेव, तो ए बी सी इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती, गुजरात से मिलती है?
तो ये क्वेश्चन हमने उनमें भी किए थे, जब आपको एक मैं बताया था कि सीमा रेखा का क्वेश्चन जरूर आता है निश्चित रूप से। तो मित्रों प्रतापगढ़ जो है ये तो बिल्कुल ही राजस्थान का दक्षिणी भाग है, तो प्रतापगढ़ तो बिल्कुल इधर रह जाता है, यहाँ से गुजरात है, तो गुजरात में बांसवाड़ा मिलेगा कि सीमा टच होती है, बांसवाड़ा से ही है, सिरोही से ही है, प्रतापगढ़ से ही है, सॉरी प्रतापगढ़ की नहीं मिलती, तो सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 1 2 4 ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, 1 2 4, प्रतापगढ़ बिल्कुल इधर रह जाता है, ये नहीं मिलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ है नदियों के नाम और एक तरफ जो है वो इनकी सहायक नदियां हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका होगा, पहला हो जाएगा महानदी और इसकी सहायक नदी कौन सी है? हसदो। नेक्स्ट है, किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षनीयन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी, थर्ड होगा, 31st का। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? तो माही की है, सोम माही जाखम, सोम माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें एक वीडियो में जब आपको बताया था, ये एक ही वीडियो से आए हुए क्वेश्चन है तीन चार, उसमें आपको बताया था कि 23-03 है, ये ध्यान रखिएगा उसमें। तो एक तरफ तो इसने लिखा है 23-03 से 30-12 उत्तरी अक्षांश था दोनों, तो उत्तरी उत्तरी वाले में ये रहा उत्तरी से उत्तरी अक्षांश, और यहाँ 23-30 है और ये है 23-03, तो मतलब इसको ये यूं लिखना चाह रहे हैं 23-03 यूं है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 23-03 से 30-12 उत्तरी अक्षांश दोनों सेकेंड हो जाएगा। कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? बागड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात है, यानी 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है? 919। नेक्स्ट है, सुमेलित करूं तो एक तरफ झीलों के नाम है, एक तरफ सिटी के नाम है, तो जल महल ए का थर्ड है जयपुर, और उसके बाद में जैसे लूणकरण सिंह झील है ये कहाँ है? बीकानेर में। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। और पांडुपोल कहाँ है? अलवर में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए का थर्ड और सी का जो है वो फोर्थ है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, इसका हो जाएगा 45.8, ये आपको बताया भी था करंट वाले में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा पांडिचेरी। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है? परिभ्रमण गति, परिभ्रमण। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है फ्रेज फेनोन, इसका है सेकंड। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह क्या है? तो राजीव महर्षि, टीएस राजन और अशोक जैन, इसका हो जाएगा थर्ड। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया, अपूहय सिद्धांत, ये नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, 1-2-3 समझौता एंड हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका ए होगा भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। नेक्स्ट है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? फोर्थ है संसदीय कार्य मंत्री। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, तो इसका बी हो जाएगा मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। नेक्स्ट है, UNF CCC कब लागू हुआ? तो इसका फर्स्ट होगा 21 मार्च 1994, 21 मार्च 1994, तो ए हो जाएगा 47 का फर्स्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल कितना रहा है? सितंबर 2018 तक 14 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने
विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया। तो ये थर्ड होगा रजनी कोठारी। ई सचिवालय है, ये क्या है? ये राज्य सरकार की एक परियोजना, इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करो, तो एक तरफ मुख्यमंत्रियों के नाम है और एक तरफ है राज्यपाल, तो सुमेलित करना है किसके समय कौन, तो ये चारों इसी सीक्वेंस में सही हैं। भैरव सिंह शेखावत हैं, वो हैं रघुकुल तिलक, और ये बरकतुल्ला खान, सरदार जोगेंद्र सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्ण आनंद और वसुंधरा राजे मदन लाल खुराना। तो इसका जो राइट आंसर है ये फर्स्ट होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? तो ये है बी सीवारमन, वाई वी चंद्रचूड़, एम एम पुंछी और के जे रेड्डी। तो अब देखिए इसमें कौन सा होगा जो कि सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बी सीवारमन। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? इसका बी हो जाएगा रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? थर्ड होगा पारसी। शीत युद्ध में किस गठबंधन में विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं? सैनिक गठबंधन, इसका क्या हो जाएगा? सेकंड होगा नेहरू, सैनिक गठबंधन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, 40 का संबंध? तो इसका थर्ड है पंचायती राज। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से इस बात को मैं कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कथन किसका है? तो इसका थर्ड होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है? फर्स्ट हो जाएगा वी दी पीपल। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर जो है वो जून 1968 माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा। सेकंड, निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? एलन ग्लेड हिल। फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। ये आपको उस वीडियो में बताया था राज्य मानवाधिकार आयोग वाले में। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। इसमें सारे सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा, यानी 1 2 3, ये इसमें सही है। नेक्स्ट है, कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में कहां से प्राप्त हुए? जैसलमेर। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ? उदयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, झालाना में, जयपुर के झालाना क्षेत्र में। और ये 17 सितंबर जो है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, 23 अगस्त ही है, जो आपको बताया भी था 23 अगस्त को, पत्रिका भास्कर सब न्यूज़पेपर में उस दिन का है, ये न्यूज़पेपर भी है मेरे पास जो उस दिन का 23 अगस्त का, तो उसी दिन उद्घाटन किया है इसका। राइट आंसर इसका जयपुर होगा। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। इसका थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन चार जिलों में फैला होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत कितने गांव में मिशन इंद्रधनुष, ये सब पढ़ रखे हमने, 599। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध जेवलिन थ्रो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने दो जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में, उदयपुर बांसवाड़ा, फर्स्ट होगा इसका, उदयपुर बांसवाड़ा फर्स्ट हो जाएगा इसका। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसका सेकंड होगा तृतीय योजना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका 77 का हो जाएगा फोर्थ, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज और उत्खनन की सापेक्षित योगदान घट रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो इसका हो जाएगा 2014-15। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? पूंजी उपभोग भत्ता 79 का है सेकंड। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 11-12 के बीच निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई वो है उड़ीसा, इसका हो जाएगा थर्ड। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के प्रेक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? इसका सेकंड हो जाएगा एक लंबी कविता को याद करना। नेक्स्ट है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, तो यह है नॉन वर्बल टेस्ट, अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट है, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, तो इसका होगा सेकंड अनुक्रमिक स्थानांतरण। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है, तो क्या होगा इसका देखिएगा, इसका हो जाएगा फोर्थ यानी प्रोजेक्शन प्रक्षेपण। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा बालको विद्यार्थियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा बालक कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? तो इसका फोर्थ होगा प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत या जल्दी परिवर्तित होते हैं, फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? 87 का फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल अनुभवात्मक। कौन सा कथन एक बालक एक व्यक्ति के बारे में विकास के रूप में विकास के बारे में सही है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो इसका हो जाएगा थर्ड, विकास एक संचित प्रक्रिया है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा वाला, ये आपको बता दिया था, इसका क्या होगा, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो क्या होगा इसका सेकंड होगा सामाजिक। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? इसका फोर्थ हो जाएगा यह एक मान के विज्ञान है। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राईआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है, बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास होता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा थर्ड सामाजिक निर्मितवादी उपागम। नेक्स्ट है, एस सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया, व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, इसका हो जाएगा टाइप थ्योरी प्रारूप सिद्धांत।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? इसका हो जाएगा चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संवेग संकेत है, उच्च बुद्धि का संकेत है? तो इसका होगा, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यही होगा थर्ड। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मिलान करना था आपको इसमें। तो इसका मनोविश्लेषणात्मक तो किसका है, ये सिगमंड फ्राइड का है, व्यवहारवाद हल्का है, गेस्टाल्टवाद है ये वर्दिमर का है, और उसके बाद निर्मितवाद जो है ये वाइगोत्स्की। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सी ए और फिर डी और फिर बी, तो इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक है? तो इसका क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, यह क्या कहलाती है? इसका हो जाएगा केस हिस्ट्री, व्यक्तिक अध्ययन। तो मित्रों ये थे 100 क्वेश्चन। तो मित्रों ये पेपर एक एवरेज एक अच्छा पेपर है, कई क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं तो कई घुमाने वाले हैं, और थोड़ा फैक्चुअल पेपर है, ये साइकोलॉजी है, ये थोड़ा इन्होंने अप्लाइड पूछी है, जिसके अच्छे से जिसने टॉपिक को समझ रखा है तो उसके लिए इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बात करें तो जैसे बी पार्ट है, तो बी पार्ट वाले में 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान अगर फर्स्ट पेपर में है तो वो बी पार्ट का है, भारत और विश्व वाला। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है, पहले सेकेंड ग्रेड के अलावा बहुत कम चांस है कि वो टॉपिक पढ़ें। बाकी जैसे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइकोलॉजी आप लगातार पढ़ रहे हैं तो यही चीज़ इसमें है, बी पार्ट है, वो काफ़ी सही है। और मित्रों एक बेसिक पेपर है ये फैक्चुअल पेपर है, फैक्ट जैसे कई जो इसमें हैं बीच में क्वेश्चन वो डायरेक्ट फैक्ट वाले हैं, ऐसी ही संभावना है कि 31 तारीख को जो पेपर होगा उसमें आएगा। और इसमें कितने क्वेश्चन एवरेज अगर होने चाहिए थे सही, तो जैसा कि आपको पहले बताया था वही 60 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज इसमें बैठता है, कि कम से कम 60-65 के बीच का जो एवरेज है वो एक अच्छा एवरेज है। बाकी डिपेंड करेगा सेकंड पेपर पे कि उसमें कितने सही होते हैं, हो सकता है इसमें किसी के 55 सही हो और उसमें वो सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दे। तो बाकी बात की बातें हैं, किसका क्या है, कितना सही है, तो ये एक प्रकार से। और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कि हमें ये सही लगता है और आपके पास अच्छा कोई उसका प्रूफ हो, प्रमाण हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को और देखेंगे हम। बाकी मेरी ओर से तो जो आंसर है वो आपके सामने यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।